हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग बेटर। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं कैपिटल ऑफ तेलंगाना हैदराबाद में, और आज हम जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट में, जो कि हैदराबाद का जाना माना फोर्ट है। तो वहाँ जाने के बाद आपको मैं गोलकोंडा की पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये नज़ारा कितना सुंदर है। सुबह सुबह का टाइम है और ये ग्रीनरी, कितना सुकून है यहाँ। फ्रेंड्स, आपको पता है हैदराबाद इज ऑल्सो नोन फॉर वन ऑफ द हाईटेक सिटी ऑफ आईटी हब्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोलकोंडा के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपसे बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम अभी गोलकोंडा फोर्ट पहुंच चुके हैं और हमने टिकट्स भी ले लिए हैं। यहाँ के टिकट्स भी बहुत ही रिजनेबल है। इट्स जस्ट 30 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको अंदर कैमरास भी लेकर जाना है तो देन देयर विल बी एन एडिशनल कॉस्ट, वो 100 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, आपको पता है गोलकोंडा को गोलकोंडा नाम ही क्यों पड़ा? कोंडा मतलब पहाड़ होता है, ये तेलुगु वर्ड है, और ये फोर्ट गोल शेप में है, इसलिए इसका नाम गोलकोंडा पड़ा। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं गोलकोंडा की कहानी। ये जो बड़ा सा पहाड़ है, मतलब ये जो बड़ा सा कोंडा है, यहाँ पे वो जमाने में सिर्फ मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी। यहाँ के जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने मिट्टी के दीवारों को तोड़कर उसका किला बना दिया, बुलंद और मजबूत। फिर उसके बाद सुल्तान ने वहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ सुल्तान रूल कर रहे थे। हर एक जगह की, हर एक किले की, हर मिट्टी की एक अपनी कहानी होती है। कहानी नहीं, प्रेम कहानी होती है। गोलकोंडा की भी एक ऐसी ही छोटी सी प्यारी सी प्रेम कहानी है। सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क, उनको एक हिंदू लड़की से प्यार था जिनका नाम भागमती था। उनके साथ निकाह करने के बाद, उनको अपनी बेगम बनाने के बाद, राजा सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने उनको हैदर महल से नवाजा था, और इसी हैदर नाम से हैदराबाद नाम पड़ा। ये तो हो गई गोलकोंडा की प्रेम कहानी। लेकिन गोलकोंडा इतना फेमस क्यों था? आइए गोलकोंडा के बारे में बात करते हैं। गोलकोंडा हीरो के लिए, डायमंड्स के लिए दुनिया भर में मशहूर था। दुनिया के 13 कीमती हीरे गोलकोंडा के इस चार दीवारों के अंदर कई सालों तक रखे हुए थे, जैसे कि कोहिनूर, जो अभी भी यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है, ब्लू होप डायमंड, जो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, पिंक डारियानूर, अभी भी ईरान के पास है, द वाइट रिजेंट फ्रांस के पास है। ऐसे बहुत सारे कीमती हीरे अलग अलग मुल्कों ने अपने कब्जे में ले लिए और हड़प लिए। यही सब हीरो के वजह से बहुत सारे लोगों ने कई सालों तक गोलकोंडा को हड़पने की कोशिश की, और गोलकोंडा के ऊपर चार सल्तनतों ने रूल भी किया, जैसे कि काकतिया रूलर्स, बहामानी सुल्तान्स, कुतुबशाही डायनास्टी, मुगल एम्पायर। फ्रेंड्स, जब भी हम किले के बारे में सोचते हैं या किले के बारे में बात करते हैं, तो ख्याल सिर्फ आलिशान महलों का, खुफिया रास्तों का, बड़े बड़े दीवारों का, वो ज़माने के बड़े से किचन, बेडरूम, हॉल्स, वहाँ के दरबार और तोपों का, वो ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे, कहाँ बैठकर खाना खाते होंगे या नहाते कहाँ होंगे, हर चीज़ की हमें बहुत ही उत्सुकता होती है।
बट अगर मैं गोलकोंडा के बारे में बात करूं, तो ये एक बस्ती जैसा है, दिखने में एक बस्ती जैसा है। और जो भी काम या बिजनेस गोलकोंडा में हुआ करता था, तो इसी बस्ती में हुआ करता था। गोलकोंडा इतना सिक्योर्ड और सुरक्षित इसीलिए है क्योंकि वहाँ एक साउंड अलार्म सिस्टम है। आपने कभी ध्वनि विज्ञान के बारे में सुना है? गोलकोंडा में एक साउंड अलार्म सिस्टम है जो 3 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक सतर्क रखने की क्षमता रखता है। छोटी सी छोटी आवाज़ को वो कैच करके राजा के दरबार से लेके बेडरूम तक सतर्क कर सकता है। लेकिन जब औरंगजेब ने गोलकोंडा के ऊपर हमला किया था, तो जिस सिपाही के पास किले का मेन चावी हुआ करता था या जो सिपाही किले की सुरक्षा करता था, उसी सिपाही ने घुस खाकर और लालच में आकर औरंगजेब की हेल्प की थी। उसके बाद औरंगजेब ने सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क को मारकर गोलकोंडा को अपने अंडर में कर लिया और यहाँ पे कुतुब शाही का अंत हो गया। फ्रेंड्स, आप जब कभी भी हैदराबाद आते हो और आपके पास 2-3 आवर्स टाइम है, तो आप डेफिनेटली गोलकोंडा फोर्ट में विजिट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, गोलकोंडा की यही कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको क्लिक करें, क्योंकि अगर आप वो बेल आइकॉन क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।